आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। ओके, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के लिए हम मेनली यूज करते हैं ऑक्सिन को। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं किसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट IAA, IBA, NAA एंड ऑल ऑफ द अबो। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्थेनोकार्पिक क्या होती है। अगर हम पार्थेनोकार्पिक की बात करें तो ये क्या है, इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और सॉरी आर्टिफिशियल भी प्रोड्यूस हो कर सकते हैं। और ये फेनोमेना क्या है, नेचुरली भी होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। ओके, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहाँ फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बिना फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं हम, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी। ओके, अगर हम पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स का एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं बनाना, ओके, ऑरेंज ले सकते हैं, कोकम्बर ले सकते हैं, जिसको हम पार्थेनोकार्पी की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब पार्थेनोकार्पी के लिए हम देखें कि हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, किसकी हेल्प से हम पार्थेनो कर सकते हैं। तो जो हार्मोन है ऑक्सिन, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है पार्थेनोकार्पी के लिए। ऑक्सिन क्या है, प्लांट हार्मोन। जो इसके फंक्शंस की बात करें तो एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉर्फोजेनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और उसका मेन एक और फंक्शन है वो क्या है, पार्थेनोकार्पी। वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। अब ऑप्शंस देखें, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है IAA। अब IAA क्या है, IAA मींस इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यहीं लिख देते हैं इंडोल S3 एसिटिक एसिड। ओके, अब IAA क्या है, नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन का एग्जाम्पल। तो ये ऑक्सिन है और ऊपर हमें ऑलरेडी मेंशन किया गया ऑक्सिन यूज किया जाता है, तो IAA भी एक ऑक्सिन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बात करें IBA, तो IBA क्या है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ओके, IBA क्या है, IBA भी एक ऑक्सिन है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि ये भी यूज़ किया जाता है, ऑक्सिन यूज़ किया जाता है। बात करें थर्ड ऑप्शन की, जहाँ दिया गया है NAA। अब NAA का क्या मतलब है, NA मीन नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। अब NAA क्या है ये जानने की ज़रूरत है, NNA इज ऑल्सो एन ऑक्सिन। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं हमें क्वेश्चन में, क्या दिए गए हैं, IAA दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, एंड NAA वो क्या है, नेप्थिलिक एसिटिक एसिड। तो तीनों ही क्या है, तीनों ही वो एग्जांपल है ऑक्सिन के, तो तीनों ही यूज किए जाते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट के डेवलपमेंट में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।